सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिद और एक मंदिर के निदाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और अजीम तर हैदराबाद शोबे अखिलियत के इश्तराक ताउन से कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से गांधी भवन में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस ज़िमन में अखिलियती लीडरान का एक इजलास सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुखनना करारदाद मंजूर की गई। हर मुसलमान व गैर मुस्लिम अपने अपने मकानों पर सिया परचम लहराएं और जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। इस इजलास के बारे में कांग्रेस लीडर समीर वलीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी फरहम की। आज हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से एक मशवरे की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब जफर जावेद साहब और दूसरे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स शामिल हुए। इस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और आज ये सब डिस्कशन के बाद आज एक एजेंडा बना है जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब के सामने रखा गया है और उसके साथ एक इजलासी प्रोटेस्ट कांग्रेस हैदराबाद सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सब के सब जितने का कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सब ये दो मस्जिद और मंदिर जो तोड़ के हम सारे मुसलमान और हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई गई है और जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ है और जो इस वक्त गुस्सा है, इसको ज़ाहिर करने के लिए इस वबा के दौर में हम अपने घरों पर रहकर इसको ज़ाहिर करें। हम एक काला झंडा अपने घर पर लहराएं।